सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश राज्यों में सबसे ऊपर है। इसके बाद ओडिशा और मध्य प्रदेश है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स शहरों को राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों के साथ साथ अपनी जीवन शैली का आकलन करने में मदद करने के लिए एक परिवर्तनीय पहल है। NH6 के शोवायरक्षेरा खंड का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी ने शिलोंग में राष्ट्रीय राजमार्ग 06 के शोवायरक्षेरा मेघालय असम सीमा खंड के पुनर्वास और उन्नयन का उद्घाटन किया। उद्योगों के विकास के लिए 102 किलोमीटर सड़क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेघालय की सीमेंट और कोयला बेल्ट से गुजरती है। NH6 मेघालय में जोराबाट से मिजोरम में सेलिंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग है। लुका मोरेक ने फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता। लुका मोरेक ने 2018 के लिए फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। ब्राजील और ऑरलैंडो का गौरव फॉरवर्ड माता ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। मोहम्मद सलाह द्वारा एवर्टन के खिलाफ 12 अक्टूबर 2017 के मैच में बाएं पैर की स्ट्राइक और कलिंग ने सर्वश्रेष्ठ गोली के लिए पुस्कस पुरस्कार जीता। पेरू के समर्थकों ने फीफा फैन पुरस्कार जीता। चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह 6 अक्टूबर 2018 को लखनऊ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि IISF 2018 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए छात्रों शोधकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए IISF सबसे बड़ा मंच है। भारत चीन सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अक्टूबर 2018 में चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और चीन एक आंतरिक सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रस्तावित समझौते से खुफिया साझाकरण विनिमय कार्यक्रम सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने आपदा शमन में सहयोग के क्षेत्रों को कवर करने की उम्मीद है। यह भारत और चीन के बीच ऐसा पहला समझौता होगा जो आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करे संयुक्तता है। नौसेना और सेना इकाइयों के बीच संबद्धता एक जारी प्रक्रिया है और यह भारतीय नौसेना इकाई की 31वीं संबद्धता है। फेसबुक इंडिया ने अजीत मोहन को MD VP नियुक्त किया। फेसबुक ने अपने भारतीय परिचालनों के लिए अजीत मोहन को प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री मोहन, जो पहले वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार के CEO थे, 2019 में फेसबुक में शामिल होंगे। पिछले वर्ष उमंग बेदी के इस्तीफे के बाद से पद रिक्त था। श्री मोहन टीमों को संरेखित करने और भारत में फेसबुक की समग्र रणनीति को चलाने के लिए जिम्मेदार होंगे। नौसेना अधिकारी कमांडर अभिलाष टोमे को बचाया गया। गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नौसेना अधिकारी कमांडर अभिलाष टोमे को फ्रांसीसी पोतो सीरी द्वारा बचाया गया। टोमी अपने नौकायन पोथुरिया में थे और हिंद महासागर में खराब मौसम और समुद्र की स्थिति के कारण उन्हें पीठ पर चोट का सामना करना पड़ा था। GGR दुनिया के चारों ओर समुद्री यात्रा दौड़ है। टोमी INSV मेहादई पर बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। HMR भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। हैदराबाद मेट्रो रेल HMR अब भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मॉडल के तहत दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना भी है। हैदराबाद मेट्रो में अब 45 किलोमीटर का एक परिचालन नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो रेल 350 किलोमीटर से अधिक के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। UAE इंटरफेथ अलायंस फोरम की मेजबानी करेगा। UAE 19 और 20 नवंबर 2018 को अबू धाबी में इंटरफेथ अलायंस फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम का लक्ष्य सामाजिक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा करना और युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से जबरन वसूली और अपराध से बचाने के लिए धार्मिक नेताओं द्वारा प्रयासों को मजबूत करना है। गठबंधन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धर्मों के बीच विचारों को एकीकृत करने के महत्व को भी उजागर करता है।
पैनल ने पोषण मानदंडों को मंजूरी दी। पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड ने सिफारिश की है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज, दालें और सब्जियों से तैयार ताज़ा पका हुआ भोजन खिलाया जाना चाहिए। उपाय: गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों के समुदाय आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन का हिस्सा है। दिशा निर्देश आंगनबाड़ी श्रमिकों और सहायक नर्सदाइयों की भूमिका की रूपरेखा देते हैं। तंबाकू उपयोगकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन: तंबाकू उत्पादों पर क्विट लाइन नंबर रखने वाला भारत पहला और एकमात्र सार्क देश बन गया है। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के बाद भारत में तंबाकू छोड़ने वाले लोगों के लिए यह सरकारी हेल्पलाइन है। 1 सितंबर 2018 के बाद निर्मित सभी तंबाकू उत्पादों पर क्विट लाइन नंबर मुद्रित किया जाएगा। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस के दौरान प्रत्येक स्वच्छाग्रही को अपने स्वयं के स्वच्छाग्रहियों की एक टीम बनाने के लिए कहा जाएगा। इनमें से प्रत्येक टीम अपने गाँवों में ओपन डेफिकेशन फ्री गतिविधियों पर काम करेगी। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है। गैर आवश्यक आयात पर टैरिफ को अंतिम रूप: सरकार ने गैर आवश्यक वस्तुओं की सूची को अंतिम रूप दिया है जिस पर यह आयात शुल्क लगाएगी। सूची में इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न, भारत में भी निर्मित इस्पात की कुछ वस्तुएं, आयातित सेब और बादाम शामिल होंगे। गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर टैरिफ लगाने से रुपए के स्तर को स्थिर करने में मदद की उम्मीद है। के बीच यूरेनियम की खोज के लिए नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में यूरेनियम अन्वेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अन्वेषण पृथ्वी के उत्तरी उपसतह की उच्च रेजोल्यूशन हेलीकॉप्टर आधारित भूगर्भीय इमेजिंग का उपयोग करेगा। एनजीआरआई और कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर आधारित सर्वेक्षण करेंगे। भारत ने सभी जूनियर और कैडेट ओपन में पदक जीते। टेबल टेनिस में भारत ने 2018 सभी जूनियर और कैडेट ओपन में बालिका और कैडेट बालक की श्रेणी में टीम खिताब जीते। भारत ने कैडेट बालक एकल, कैडेट बालक टीम और जूनियर बालिका टीम आयोजनों में स्वर्ण जीता। भारत ने कैडेट बालक और बालिका टीम, कैडेट बालक डबल्स और बालिका डबल्स श्रेणियों में रजत पदक जीता। पायस जैन ने सभी जूनियर और कैडेट ओपन में स्वर्ण पदक जीता। एससी विधायक वकीलों के रूप में कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों को अदालतों में वकील के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई कानून सांसदों, विधायकों और एमएलसी को अदालत में कार्य करने से नहीं रोकता है। वर्तमान में केवल अन्य संवैधानिक पदों वाले मंत्रियों और विधायकों को ग्राहकों को कानूनी सलाह देने से रोक दिया गया है। जेल सुधारों के लिए एससी ने समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जेल सुधार जांचने और उनसे निपटने के उपायों का सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमित राय करेंगे। समिति महिला कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी नजर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में 1,382 जेलों में अमानवीय स्थितियों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। सिनीसुका और कैरोलिना ने चीन ओपन जीता। इंडोनेशिया के एंथनी सिनीसुका गिंटिंग ने पुरुषों का एकल चीन ओपन खिताब जीतने के लिए जापान के केंटो मोमोटा को हराया। स्पेन की कैरोलिना मारिन ने महिला एकल खिताब जीतने के लिए चीन की चेन युफी को हराया। पुरुषों का युगल खिताब के मेस्ट्रो और इंडस कारुप की डेनिश जोड़ी ने जीता, जिन्होंने हांचिंग काई और जो उहाउडन की चीनी जोड़ी को हराया। नीदरलैंड्स में गांधी मार्च। भारत नीदरलैंड्स में हेग में प्रतिष्ठित शांति पैलेस से गांधी मार्च आयोजित करेगा। गांधी मार्च सभी देशों के व्यक्तियों और विभिन्न देशों के लगभग 20 राजदूतों की भागीदारी देखेगा। इसके अलावा शांति पैलेस परिसर में भारतीय डाक विभाग द्वारा विशेष स्मारक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 अक्टूबर को अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इंस्कोची लाइट इन्फेंट्री से संबद्ध इंस्कोची 24 सितंबर 2018 को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जैकली से संबद्ध हुआ।
इकाइयों के बीच संबद्धता का उद्देश्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं के बीच तालमेल, समन्वय और संयुक्तता है।